ए कॉइल ऑफ वायर ऑफ रेडियस आर हैज़ सिक्स हंड्रेड टर्न्स एंड ए सेल्फ इंडक्टन्स ऑफ वन हंड्रेड एट मिली हेनरी द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सिमलर कॉयल ऑफ फाइव हंड्रेड टर्न्स विल भी देखिए बेटा एल जो है ये परपोर्शनल होता है एन स्क्वायर के तो हमारे पास बाकी सारे फैक्टर सिमिलर हैं एक कोईल है उसका सेल्फ इंडक्टेंस हंड्रेड उसका सेल्फ इंडक्टेंस दे रखा है हंड्रेड एट मिली हेनरी और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स है सिक्स हंड्रेड और दूसरी एक कोईल है जिसका कि हमने सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं फाइव हंड्रेड तो एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर तो देखिए बेटा एल वन बाय एल टू इज इक्वल टू एन वन स्क्वायर बाय एन टू का स्क्वायर तो एल वन बाय टू इज एन वन स्क्वाय टू स्क्सी जो पहली कॉइल जो जिस कॉइल का हमें पता करना है उसको हम L1 मान लेते हैं ये दूसरी कॉइल का 108 मिली हंड है और इसमें 500 टर्न्स हैं और इसमें बेटा कितने 600 टर्न्स हैं का होल स्क्वायर तो L1 हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा एल वन विल्वल टू ट्वेंटी हंड्रेड हंड्रेड कट जाएगा तो ये ट्वेंटी तो हो गया ट्वेंटी जाएगा थ्री से बेटा ये हो गया 75 मिली हेनरी This will be seventy-five milli Henry. So, answer becomes C part, answer is C part. Next twenty second question bitte. a hundred milli Henry coil carries a current of one ampere. एनर्जी स्टोर्ड इन इट इज देखो बेटा ऐसा है कि जो एल है दैट इज हंड्रेड मिली हेनरी तो हंड्रेड इंटू टेंस फॉर माइनस थ्री हैनरी दिस इज वैल्यू ऑफ एल और जो करंट आई है दैट इज हाउ मच वन एम्पीयर सो हमने एनर्जी स्टोर निकालना है तो एनर्जी स्टोर होती है हाफ एल आई स्क्वाफ एल कितना है हंड्रेड इंटू टेंस फॉर माइनस थ्री इंटू आई का स्क्वायर कितना हो गया वन का स्क्वायर तो so ये हो गया बेटा कितना ये हो गया 50 इंटू टेंस पार माइनस थ्री जूल्स सो फिफ्टी इंटू टेंस पर माइनस थ्री जूल्स यानी कि दिस इज़ पॉइंट जीरो फाइव जूल्स ये किसके बराबर हो गया पॉइंट जीरो फाइव जूल्स सो आंसर बिकम्स सी पार्ट आंसर इज सी पार्ट नेक्स्ट बेटे ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन देखेंगे ए कंडक्टिंग स्क्वायर लूप ऑफ साइड एल एंड रेजिस्टेंस आर मूव्स इन इट्स प्लेन विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी परपेंडिकुलर टू वन ऑफ इट्स साइड्स ए मैग्नेटिक इंडक्शन बी कांस्टेंट इन टाइम एंड स्पेस पॉइंटिंग परपेंडिकुलर एंड इन टू दी प्लेन ऑफ द लूप एग्जिस्ट एवरीवेयर विद पार्ट ऑफ द लूप आउटसाइड द फील्ड एज शोन इन फिगर वन द इंड्यूस्ड ई एम एफ इज सो आप देखिए बेटा ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लूप है और ये हमारे पास ऐसे रीजन है मैग्नेटिक फील्ड का ये फिगर दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में और बेटा इस लूप को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड से बाहर लेकर जा रहे हैं वी आर टेकिंग दूप आउट ऑफ दी मैगनैिक फील्ड एंड द लूप इज मूव विद ए ब्लास्टी वी और जो ये लेंथ है एल है ठीक है बेटा जो लेंथ ऑफ द लूप है ये स्क्वायर लूप है तो स्क्वायर लूप की जो लेंथ होगी वो तो थ्रू आउट सेम ही होगी सो तो साइड्स की लेंथ सेम होगी तो इसलिए जो एक साइड की लेंथ है वो एल है आप इसको बाहर निकाल रहे हैं मगनेटिक फील्ड और मैगनडिक फील्ड स्ट्रेंथ बी है तो हमसे पूछा जा रहा है कि इंड्यूस टी एम एफ कितना होगा सो देखिए बेटा ऐसा है कि ये वाली तार तो फील्ड के बाहर ही है जो इंड्यूस्टीएमएफ पैदा होगा वो सिर्फ इस तार में पैदा होगा इस तार में भी इंडियमएफ नहीं होगा इसमें भी नहीं होगा क्योंकि एरिया जो है इसके साथ जो इस तार और इस तार के साथ जो एरिया लिंक्ड है वो उसमें फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है सिर्फ इसके तार के साथ जो एरिया लिंक्ड है उसमें फ्लक्स चेंज आ रहा है बिकॉज दिस इज मूव्ड पेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सो देयर फोर जो ई एम एफ इंडियोस होगी वो सिर्फ इस के एंड्रॉस होगी और वो ई एम एफ कितनी हो जाएगी बी एल इन टू वी सो दूस बी एल वी तो आंसर क्या हुआ आंसर बिकम्स सी पार्ट आंसर बिकम्स सी पार्ट नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बैठे ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन ट्वेंटी थर्ड का आंसर सी ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन देखिए इन ए ट्रांसफॉर्मर दंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर फाइव हंड्रेड एंड टू थाउजेंड रिस्पेक्टिवलीफ करंट इन दाइमरी इज फोर्टी द कर बी देखो बेटा ये आपको यूनिवर्सल रिलेशन पता है दैट यू आर गिवन प्राइमरी और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं और प्राइमरी में करंट बता रखा है सेकेंडरी का करंट हमने निकालना है तो बेटा सेकेंडरी का करंट हो जाएगा देखिए लास्ट टू को कंपेयर करते हैं आई एस विल बी इक्वल टू एन पी इन टू आई पी बायस ना नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी आर हा मच फाइव हंड्रेड और करंट इन द प्राइमरी इज़ 48 और नंबर ऑफ़ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कितने हो गए दैट इज़ 2000 तो ये हो गया 54 और ये 12 तो 12 एम्पियर जो करंट सेकेंडरी में आया दैट इज़ 12 एम्पियर सो आंसर बिकम्स ए पार्ट आंसर इज ए पार्ट नेक्स्ट देखेंगे ट्वेंटी क्वेश्चन ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन द्रांसफॉर्मर इज लेमिनेटेड सो दैट देखिए बेटा जो ट्रांसफॉर्मर की कोर को हम लेमिनेट करते हैं उसका उसके पीछे रीजनिंग ये है दैट उसकी लेमिनेशन बेसिकली एडीकरेंट के लॉसेज को अवॉइड करने के लिए होती है तो आंसर बी पास्ट है अनर्जी लॉसेस so that energy losses due to eddy currents may be minimized. So, answer is B for Bombay. Next twenty-sixth question, we move on to twenty-sixth question. If the angular speed of rotation of an armature of alternating current generator is doubled, then the induced electromagnetic, electromotive force will be? जो ई एम एफ इंड्यूस्ड होती है जनरेटर में दैट इज बान ओमेगा साइन ओमेगा टी तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं इज हैपनिंग कहता इफ एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ एन आर्मेचर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर इज डबल्ड देन दी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विल बी तो हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा की बजाय क्या कर दी नहीं कर दी दैट इज ओमेगा डैश दैट इज ट्वाइस ऑफ ओमेगा तो आप देखिए जो ई एम एफ इंड्यूस्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा के सो so, इसलिए ई एम एफ भी क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी सो ई एम एफ ऑल्सो गेट्स डबल्ड वेन यू डबल द फ्रीक्वेंसी द ई एम एफ ऑल्सो गेट्स डबल्ड सो आंसर इज ए पार्ट ठीक है बेटा आंसर इज ए पार्ट ट्वेंटी क्वेश्चन नाउ 27th question the mutual inductance of a pair of coil of a pair of coils if a current of 3 ampere in one coil causes the flux in the second coil of 2000 turns to change by 6 into 10 to power minus 4 weber per turn of the secondary coil देखिए बेटा हाँ क्या कह रहा है ये क्वेश्चन दैट द म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालनी है पेयर ऑफ कॉइल्स हैं इफ ए करंट ऑफ थ्री एम इन वन कॉइल कॉज द फ्लक्स इन द सेकेंड कॉइल ऑफ टू थाउजेंड टू थाउजेंड टू चेंज बाई मच सिक्स इंटू टेंस माइनस फोर वी पर टर्न सो ऑफ द सेकेंडरी कॉइल तो देखिए बेटा फाइव इन सेकेंडरी फ्लक्स इन सेकेंडरी दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट इन प्राइमरी नो द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी इज गिवन बाय टू थाउजेंड ये नंबर ऑफ टर्न्स हो गए इनटू फ्लक्स लिंक्ड विद वन टर्न ये हो गया टोटल फ्लक्स ये टोटल फ्लक्स हो गया दैट इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट इन द प्राइमरी सो देखिए बेटा करंट प्राइमरी में कितना हो गया थ्री एम तो ये हो गया कितना ये हो गया फोर थाउजेंड इंटू टेन की पार माइनस फोर ठीक है बेटा फोर थाउजेंड इंटू टेन की पार माइनस फोर सो ये हमारे पास जो आंसर बना ये बन गया पॉइंट फोर ठीक है बेटा दिस विल बिकम कितना फोर थाउजेंड इंटू टेन पार माइनस फोर ये हो गया बेटा कितना फोर इंटू टेन की पार माइनस वन या दिस इज पॉइंट फोर हैंनरी सो म्यूचुअल इंडकटंस बन गई पॉइंट फोर हैंनरी सो आंसर बिकम्स सी पार्ट आंसर इज सी पार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा ट्वेंटी ए सर्कुलर कोयल ऑफ रेडियस फाइव सेंटीमीटर हैज फाइव हंड्रेड टर्न ऑफ द वायर दी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ कोफिशेंट ऑफ सेल्फ इंडक्टन्स विल बी सो देखिए बेटा ऐसा है कि एक सर्कुलर वायर है उसका रेडियस हमें पाँच सेंटीमीटर दिया हुआ है और उसमें टोटल नंबर ऑफ़ टर्न्स कितने हैं फाइव हंड्रेड तो हमने क्या निकालना है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है कोफ़िशंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दायल की सो so आप देखिए बेटा फाइव जो होता है दैट इज इक्वल टू एल इंटू आई तो फाइव कितना हो गया बी इन टू एज इक्वल एल इन टू आई तो म्यूनाट एन आई बाई टू आर इं टू पाई आर स्क्वा ठीक है बेटा इं टू पाई आर स्क्वायर ये क्या हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा बेटे पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू वाट देखिए फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई फ्लक्स क्या होता है बी इंटू एरिया ठीक है फ्लक्स क्या हो जाएगा बी इंटू एरिया इन नंबर ऑफ टर्न्स ठीक है बेटा फ्लक्स हो जाएगा बी इंटू एन तो नंबर ऑफ टर्न्स और आएंगे एन सो दैट इज इक्वल टू वाट एल इंटू आई तो बेटा यहाँ से एल कितना हो गया देखिए एक आर कैंसिल कर दीजिए ये हो गया म्यू नॉट एन स्क्वायर ठीक है जी म्यू नॉट एन स्क्वायर आर बाई टू नॉट एन स्क्वायर आर बाई टू तो ये हमारे पास नॉट की वैल्यू कितनी है बेटा फोर पाई इंटू अच्छा साथ में पाई तो आएगा बेटे तो नॉट हो जाएगा फोर पाई इंटू टेन माइनस सेवन क्या चीज एन स्क्वायर एन स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटे एन आपको दे रखा है नंबर ऑफ टर्न्स वो कितने दे रखे हैं नंबर ऑफ़ टर्न्स आर गिवन टू मी एज 500, ठीक है बेटा 500 तो 500 का क्या चीज 500 हंड्रेड इंटू स्क्वायर हो गया ना इंटू क्या चीज आर आर कितना है फाइव इंटू टेन की पार माइनस टू और ये पाई स्क्वायर हो जाएगा बाय क्या चीज टू टू से टू कैंसिल कर दो पाई स्क्वायर नियर अबाउट कितना होता है बेटा टेन तो ये हो गया टू इंटू ये हो गया वन ट्वेंटी फाइव इंटू टेन uh, की पार फोर ये हो गया टेन की पार टू टेन की पार थ्री टेन की पावर थ्री इंटू टेन की पार माइनस सेवन तो ये हो गया बेटा टू फिफ्टी ठीक है इन टू क्या चीज टेन की पार माइनस फोर टेन की पार माइनस फोर तो टू फिफ्टी इंटू टेन की पार माइनस फोर तो अब आप देखिए बेटा हमारे पास यहाँ पे आंसर है आ, आंसर बन रहा है फिफ्टी इंटू टेन की पार माइनस फोर को हम लिख सकते हैं ट्वेंटी फाइव इंटू टेन की पार माइनस थ्री तो ये बन गया बेटा ट्वेंटी फाइव मिली हेनरी ट्वेंटी फाइव मिली हेनरी आंसर इज ए पार्ट नेक्स्ट देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन्थ ए ट्रांसफॉर्मर हैज हंड्रेड टर्न्स इन द प्राइमरी एंड कैरीज ए करंट एट एम्पियर इफ़ इनपुट पावर इज वन किलो वाट द नंबर ऑफ टर्नस इन दी टू है फाइव हंड्रेड वोल्ट आउटपुट विल भी ऐसा है बेटा देखिए एक हमारे पास ट्रांसफॉर्मर है उसमें प्राइमरी टर्नस कितने हैं हंड्रेड और करंट कितना है प्राइमरी करंट है एट एम्पियर और इनपुट पावर जो पावर इनपुट है यानी कि पावर एट प्राइमरी दैट इज़ वन थाउजेंड वाट्स और हमें क्या करना है नंबर ऑफ टर्न्स निकालने हैं सेकेंडरी में कि वोल्टेज आउटपुट कितनी हो सेकेंडरी पे वोल्टेज आउटपुट एट सेकेंडरी इज हाउ मच 500 वोल्ट्स 500 वोल्ट्स तो पावर ऑफ प्राइमरी इज इक्वल टू व्हाट पावर ऑफ प्राइमरी इज इक्वल टू ई पी इंटू आई पी दैट इज इक्वल टू ई पी इन आई पी तो वन थाउजेंड बराबर है ई पी कितना है बेटा ई पी हमें पता नहीं आई पी कितना है एट तो ईपी इज इक्वल टू थाउजेंड बाई एट तो ये हो जाएगा टू फोर हजार फाइव हंड्रेड ठीक है बेटे टू फोर हजार फाइव हंड्रेड हो गया ही है अब ये हो जाएगा फोर वन फोर वन ट्वेंटी फाइव वोल्ट ठीक है बेटा सो प्राइमरी वोल्टेज बिकम्स वन ट्वेंटी फाइव वोल्ट अब आप देखिए ई एस

फाइव हंड्रेड इन टू हंड्रेड ओवर वन ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव फाइव हज़ार एंड ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी ये हो गया फाइव फोर हज़ार सो नंबर ऑफ टर्नस बिकम्स फोर हंड्रेड सो नंबर ऑफ टर्नस ऑफ द सेकेंडरी इज़ फोर हंड्रेड तो आंसर क्या बना आंसर इज सी पार्ट आंसर इज सी पार्ट नेक्स्ट देखेंगे मेरे थर्टीथ क्वेश्चन

और कितने टाइम में चेंज हो रहा है पॉइंट जीरो फाइव सेकेंड्स में और ई एम एफ कितनी जनरेट हो रही है एट वोल्ट तो सेल्फ इंडक्टेंस निकालनी है तो देखिए बेटा ई एम एफ इज इक्वल टू एल डी आई डीटी डी टी ये एट वोल्ट है दैट इज इक्वल टू हाउ मच एल इं टू डी आई कितना है दो अपॉन डी टी कितना पॉइंट जीरो फाइव तो ये हो जाएगा एट इज इक्वल टू एल इं टू इंटू क्या चीज बेटे दिस विल बी ट्वेंटी ठीक टू इंटू ट्वेंटी हो जाएगा ये तो बेटा ये कितना एल इज इक्वल टू एट बाई फोर्टी तो ये कितना हो गया वन बाय फाइव इक्वल टू पॉइंट टू हेनरी सो आंसर कितना हुआ पॉइंट टू हेनरी आंसर इज बी फॉर बॉम्बे नेक्स्ट पेट थर्टी फर्स्ट क्वेश्चन थर्टी फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ए वायर ऑफ लेंथ फिफ्टी सेंटीमीटर इज मूविंग पैरल टू इट सेल्फ विद स्पीड ऑफ वन मीटर पर सेकेंड इन ए परपेंडिकुलर मैगनेटिक फील्ड टू इंटू टेंस माइनस फोर टेस्टला दी ई एम एफ डिवेल्प अक्रॉस इट्स एंड विल बी देखिए बेटा ई एम एफ डिवेल्प जो है वो होता है बी एल वी अगर एक लीनियर कंडक्टर मूव कर रहा है विद समस्टी वी और उसकी लेंथ एल है इट इज मूविंग इन ए डायरेक्शन पर पेंडीकुलर टू मैगनेटिक फील्ड ई एम एफ इंड बी एल वी सो बी कितना है बेटे टू इंटू टेन की पावर माइनस फोर एल कितना है फिफ्टी अपान हंड्रेड और वेलोसिटी कितनी है वन तो ये हो गया बेटा टू और ये टू से टू कैंसिल हो गया 10 पावर माइनस फोर वोल्ट सो ई एम एफ इंड्यूज जो होगी टेंस माइनस फोर वोल्ट आंसर बिकम्स सी पार्ट नेक्स्ट बेटे थर्टी सेकेंड क्वेश्चन थर्टी सेकेंड क्वेश्चन टू कायल्स आर प्लेसड क्लोज टू इच अदर द म्यूचुअल इंडक्टन्स ऑफ द पेयर ऑफ कॉयल डिपेंड्स अपॉन दो कायल्स हैं बेटा बहुत क्लोजली प्लेस्ड हैं एक दूसरे के तो हमने पता करना है कि म्यूचुअल इंडक्टन्स किस पर डिपेंड करती है ऐसा है बेटे जो म्यूचुअल इंडक्टन्स बिटवीन द काइल्स है इट डिपेंड्स अपॉन दी ओरिएंटेशन ऑफ द कोयल्स सो आंसर क्या बनता है सी पार्ट रिलेटिव पोजिशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द

एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ ये घूम रहा है लेंथ इसकी एल दे रखी है और ई एम एफ इंड्यूस जो होती है हाफ बी ओमेगा इंटू एल स्क्वायर होती है तो हाफ बी कितना है जीरो पॉइंट टू इंटू टेंस पार माइनस फोर ओमेगा इज़ फाइव इंटू एल स्क्वायर इज़ वन का स्क्वायर तो ये हो गया कितना पॉइंट फाइव इंटू टेंस पार माइनस फोर वोल्ट्स ये आ गया बेटे तो इसको हम लिख सकते हैं फिफ्टी माइक्रॉन वोल्ट दिस इज़ फिफ्टी माइक्रॉन वोड यू सो आंसर हो गया बी फॉर बॉम्बे आंसर इज बी फॉर बॉम्बे नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द्वेश्चन थर्टी फोर्थ क्वेश्चन इन्हे चोक प्वाइल रेजिस्टेंस आर एंड रिएक्टेंस एक्सएल आर तो देखिए बेटा जो चोक ऑयल है हमारे पास वो ऐसी होती है बेटा चोक कॉयल बेसिकली एक इंडक्टेंस कॉइल है और जब हम इसको एसी करंट देते हैं देखिए रियल चोक कॉयल जो होती है चोक कॉयल इज अ रियल इंडक्टेंस तो उसमें जो इंडक्टेंस होती है चोक कॉयल की दैट इज ग्रेटर दैन द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, ठीक है इन ए सी सो आंसर क्या बनता है इसका सी पार्ट आंसर इज सी पार्ट नेक्स्ट बेटा थर्टी फिफ्थ क्वेश्चन थर्टी फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर रिड्यूसेस टू ट्वेंटी वोल्ट टू हंड्रेड एंड टेन वोल्ट द प्राइमरी ड्राज फाइव एम्पियर ऑफ करेंट एंड सेकेंडरी सप्लाईज नाइन एम्पियर दफिशेंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज़ तो देखिए बेटा हमें प्राइमरी वोल्टेज दे रखी है इस क्वेश्चन में थर्टी फिफ्थ में दैट इज टू ट्वेंटी वोल्ट और प्राइमरी और सेकेंड्री वोल्टेज दे रखी है सेकेंडरी वोल्टेज हमको कितनी दे रखी है वन हंड्रेड एंड टेन वोल्ट्स और बेटा प्राइमरी का जो करंट है दैट इज़ फाइव एम्पियर और जो सेकेंडरी की जो करंट सप्लाई है दैट इज़ नाइन एम्पियर और हमने क्या निकालनी है एफिशिएंसी सो एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज़ आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर और परसेंटेज एफिशिएंसी क्या हो जाएगी इसको इन टू हंड्रेड कर देंगे सो so आउटपुट कितनी हो जाएगी बेटे आउटपुट हो जाएगी ई एस इंटू आई एस और इनपुट पावर कितनी है ई पी इंटू आई पी ये इंटू क्या कर देंगे बेटा 100 तो ई एस इंटू आई एस कितना हो गया 110 हंड्रेड टेन इंटू नाइन बाई ई पी इंटू आई पी दैट इज टू ट्वेंटी इंटू फाइव इंटू क्या चीज बेटे 100 तो ये हो गया कैंसिल ये हो गया नीचे 2 ये आ गया बेटा 10 तो ये आ गया 90 परसेंट so सो ये जो ट्रांसफार्मर है ये 90 परसेंट एफिशेंट है आंसर क्या आ गया आंसर इज ए पार्ट थर्टी क्वेश्चन देखेंगे बेटा थर्टी सिक्स क्वेश्चन ये हमारे पास एक कैपेसिटर ये करंट और ये ईएमएफ सप्लाई वेरिंग ईएमएफ और ये कैपेसिटेंस इन दी सर्किट शोन हेयर दी फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज इंक्रीज़ दी देन एसी एम मीटर रीडिंग विल तो देखिए बेटा हमने एम मीटर की जो एसी सी एम मीटर नापने के लिए लगाया हुआ है हम लोग क्या कर रहे हैं ओमेगा को बढ़ा रहे हैं ओमेगा इंक्रीज कर रहे हैं व्हाट विल हैपन टू करंट रीडिंग देखो बेटा आई होता है वोल्टेज अपॉन कैपेसिटिव रिएक्टेंस और ये हो जाएगा ई अपॉन वन बाय ओमेगा सी तो ये आई जो हो गया वो कितना हो जाएगा ओमेगा सी इंटू ई अगर आप ओमेगा बढ़ा रहे हैं तो आई भी बढ़ेगा सो करंट इंक्रीजेस इफ यू इंक्रीज दी फ्रीक्वेंसी सो आंसर इज बी फॉर बॉम्बे नेक्स्ट बेटे थर्टी सेवंथ क्वेश्चन थर्टी सेवन क्वेश्चन देखिए दी कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर फॉर ए सी ऑफ एटी हर्ट इज इज ओम एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैपेसिटिव रिएक्टेंस विल बी देखिए सीधी बात बेटा एक्स सी होता है वन बाई ओमेगा इनवर्स प्रपोर्शनैलिटी है एक्ससी कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी के तो बेटा Uh, आपको 60 80 60 ओम दे रखी है कब जब 80 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है 60 बाय एक्स सी इज इक्वल टू वाट क्या चाहिए बेटे 40 बाय 40 बाय 80 क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी आ रही है देख रहे हैं? देख रहे हैं तो यहाँ से एक्ससी कितना आ जाएगा बेटे एक्स विल बी सिक्सटी इंटू टू दैट इज वन ट्वेंटी ओम्स सो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है 120 ओम्स आ गया आंसर क्या आ गया सी पार्ट आंसर इज सी पार्ट 38th क्वेश्चन बेटे क्वेश्चन नंबर 38th देखेंगे इन एल सी एंड आर कॉम्बिनेशंस एल सी एंड आर आर आइदर यूज सिंगली और इन सीरीज कॉम्बिनेशन द फेज एंगल बिटवीन ईएमएफ एंड करंट कैन बी देखिए बेटा एल सी आर जब हम सर्किट लेते हैं या कल्ला एल सी लेते हैं तो ये देखिए ई आर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस इज अक्रॉस द रजिस्टर इज इन फेज विद करंट और यहाँ आ जाता है ई एल और यहाँ आ जाता है ई सी तो बेटा जो रिजल्टिंग ई एम एफ आती है वो ऐसे आएगी या ऐसे आएगी तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो फेज डिफरेंस आ सकता है रिजल्टिंग वोल्टेज और करंट के बीच में दैट लाइज बिटवीन प्लस पाई बाई टू एंड माइनस पाई बाई टू सो आंसर क्या बना सी पार्ट थर्टी एट का आंसर क्या बना सी पार्ट नेक्स्ट बेटे थर्टी नाइन्थ क्वेश्चन थर्टी नाइन्थ क्वेश्चन एन इंडक्टर इज यूज इन ए सी सर्किट इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सी इज थर्टी फाइव

तो आपको इंडक्टेंसी पता करनी है दैट विल बी ट्वेंटी माइक्रॉन हेनरी सो आंसर क्या बनता है बेटे आंसर बिकम्स सी पार्ट आंसर इज सी पार्ट नेक्स्ट बेटे फोर्टीएथ क्वेश्चन क्वेश्चन एंड ए डीसी सर्किट कंटेन्स हंड्रेड ओम रेजिस्टेंस एंड इन सीरीज विद ट्वेंटी फाइव हेनरी कॉइल दी इम्पीडेंस ऑफ दी सर्किट इज़ बेटा एक डीसी सर्किट है डीसी सर्किट होता है ऐसा यानी बैटरी लगी हुई है और डायरेक्ट करंट बैटरी और इसके साथ एक रेजिस्टेंस है और एक बेटा इंडक्टेंस है और रेजिस्टेंस 100 ओम का है इंडक्टेंस हमें दे रखा है कितना इंडक्टन्स दे रखा ट्वेंटी फाइव हेनरी तो आपसे पूछा गया व्हाट इज़ द नेट इंपीडेंस बेटा देखो एक्सेल तो जीरो हो जाएगा इसमें क्योंकि ओमेगा जीरो है बिकॉज डीसी इज़ नॉट वेरिएबल तो इसलिए Z जो इंपीडेंस किसके बराबर हो जाएगा R तो जो हो हो जाएगी वो हो जाएगी वो रेजिस्टेंस के बराबर 100 ओम आंसर B फर्स्ट क्वेश्चन एन एल सी आर सर्किट कंटेन्स एल ऑफ जीरो पॉइंट जीरो एट हेनरी सी ऑफ पॉइंट फाइव माइक्रोन फेर आर ऑफ टू ओम्स असेप्टर फ्रीक्वेंसी ऑफ दी सर्किट असेप्टर फ्रीक्वेंसी होती है बेटा दी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपके पास एक एलसीआर सर्किट है जिसमें एल कितना दे रखा है पॉइंट जीरो एट हेनरी सी दे रखा है आपने पॉइंट फाइव माइक्रोन और आर दे रखा है टू ओम्स तो आपको निकालना है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो ओमेगा कितना होता है बेटा वन बाय रूट ऑफ एल सी ओमेगा इज टू पाई इंटू एफ दैट इज वन बाई रूट ऑफ एल सी सो ये हो गया एफ हो गया वन बाय टू पाई रूट ऑफ एल सी अब देखिए एफ जो हो जाएगा वन बाय टू पाई इंटू स्क्वायर रूट एल कितना है पॉइंट जीरो एट सी कितना है पॉइंट फाइव इंटू टेन पावर माइनस सिक्स यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है ट्वेंटी फाइव हंड्रेड अपॉन पाई सो फ्रीक्वेंसी जो हो गई दैट इज ट्वेंटी फाइव अपॉन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव हंड्रेड अपन पाई हर्ट दिनी आंसर इज बी फॉर बॉम्बे नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी सेकेंड क्वेश्चन बैठे फोर्टी सेकेंड क्वेश्चन वी आर हैविंग ए इंडक्टर एल एक रेजिस्टर और ये ए सी एल देन आर इन दिवन सर्किट द आर एम एस वैल्यू ऑफ ई एम एफ इज फाइव वोल्ट एंड दी आर एम एस वैल्यू ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एल इज थ्री वोल्ट्स बेटा जो इसके अक्रॉस ई एल दे रखा है वो तीन वोल्ट है और जो ई e दे रखा है वो कितना दे रखा है फाइव वोल्ट तो हमने निकालना पोटेंशियल ड्राप अक्रॉस रजिस्टर यानी वी वॉन्ट फाइन ई आर ER. तो बेटा देखो ई एम एफ ई इज स्क्वायर रूट ऑफ ई एल स्क्वायर प्लस ई आर का स्क्वायर स्क्वायर ये कितना हो जाएगा फाइव फाइव इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ई एल स्क्वायर थ्री स्क्वायर प्लस क्या चीज बेटे ई ER आर का स्क्वायर तो ये हो गया ई आर स्क्वायर बराबर है कितना ट्वेंटी फाइव माइनस नाइन सो दैट इज ई आर बिकम्स फोर वोल्ट सो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर इज फोर वोल्ट सो आंसर कौन सा बनता है बेटे आंसर इज सी पार्ट आंसर इज सी पार्ट नेक्स्ट बेटे फोर्टी थर्ड क्वेश्चन

एक्सएल कितना दे रखा है बेटे 20 ओम का और आपको Z निकालना है Z क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 30 का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी यानी 40 का होल स्क्वायर ये कितना हो गया 900 हंड्रेड प्लस सिक्सटीन हंड्रेड ये आ गया बेटा 50 वोल्ट सो आंसर बिकम्स 50 वोल्ट सॉरी आंसर इज 50 ओम्स क्योंकि ये रेजिस्टेंस है तो आंसर क्या आ गया

और यहाँ पे आपका 90 वोल्ट की आप एसी सप्लाई दे रहे हैं ये रेजिस्टेंस आ गया रेजिस्टेंस 45 फ़ाइव ओम के बराबर आ गया और यहाँ पे आपने वोल्ट मीटर लगा रखा है और ये आपका एक्सेल एक्सेल कितना है फ़ोर ओम के बराबर और यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है एक्सी इसका भी फ़ोर ओम दे रखा है और ये ये बेटा एक सीरीज एल सी आर सर्किट है ये अलग से ढंग ढंग है देने का बट दिस इज ए सीरीज एल सी आर सर्किट और आप देख रहे हैं एक्सएल इक्वल टू एक्सी है तो सर्किट रेजोनेंस में एक्सएल इक्वल टू एक्सी सो दिस इज ए रेजोनेंट सर्किट ये कैसा सर्किट हो गया रेजोनेंट सर्किट यानी कि जो इन दोनों का पोटेंशियल है वो एक दूसरे को कैंसिल कर जाएगा तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एल एंड सी विल बी जीरो और करंट कितना आ जाएगा आई इज इक्वल टू ई बाय आर सो so ई e कितना है 90 और आर कितना है 45 तो ये हो गया 2 एम्पियर तो करंट 2 एम्पियर हो गया और वोल्टेज की रीडिंग जीरो आएगी आंसर क्या आ गया आंसर बिकम्स ए पार्ट आंसर इज ए पार्ट फोर्टी फिफ्थ क्वेश्चन बेटे फोर्टी फिफ्थ क्वेश्चन इन एन एल सी आर सर्किट एल इज एट हेनरी सी इज 0.5 0.5 R is 100 ohm in The farad. Aur R kitna hai? 100 100 L C हमें क्या बता रखा है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है सो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन रेडियन पर सेकंड तो ओमेगा हो जाएगा वन बाय रूट ऑफ एल सी यानी चीज पार माइनस सिक्स ये ऊपर जाके थाउजेंड हो गया और नीचे आ गया टू ये हो गया फाइव हंड्रेड रेडियन पर सेकेंड सो आंसर कौन सा बनता है आंसर इज सी पार्ट आंसर इज सी पार्ट फोर्टी सिक्स क्वेश्चन नाउ फोर्टी सिक्स क्वेश्चन बेटे ए सीरीज

प्लस रिएक्टेंस का होल तो रेजिस्टेंस कितना है, 3 है. तो थ्री का स्क्वायर प्लस किया चीज़ 4 का square, ये कितना फाइव ओम के बराबर आ गया पावर फैक्टर जो होता है आपको पता है आर बाई जेड आर कितना है थ्री और ये कितना है फाइव तो पावर फैक्टर कितना आ गया पॉइंट सिक्स सो आंसर क्या आ गया बेटा बी फॉर बॉम्बे नेक्स्ट बेटे फोर्टी सेवन क्वेश्चन

नेक्स्ट फोर्टी एट क्वेश्चन फोर्टी एट क्वेश्चन बेटे फोर्टी एट क्वेश्चन फॉर ए कॉइल हैविंग इंडक्टेंस ऑफ टू मिली हेनरी करंट फ्लोज एट द रेट ऑफ डी आई बाई डी टी आपको दे रखा है बेटा कितना 10 पार थ्री एम पर सेकेंड ठीक है कॉइल है उसका इंडक्टेंस दे रखा है और उससे करंट फ्लो जो हो रहा है पर सेकेंड वो टेन्स पावर थ्री एमपियर पर सेकेंड हो रहा है बेटा सो नॉट एम्पियर बिकॉज इट इज वोल्टेज सो टू वोल्ट आ गया आंसर इज ए पार्ट आंसर इज ए पार्ट नेक्स्ट बेटे फोर्टी नाइन्थ क्वेश्चन फोर्टी नाइन्थ क्वेश्चन क्या है एन ऑसिलेटर सर्किट कंसिस्ट ऑफ इंडक्टेंस इंडक्टेंस कितनी है बेटा 0.5 मिली हेनरी और कैपेसिटेंस कितनी है 20 माइक्रो फेरेड यानी कि 20 इंटू टेंस पार माइनस सिक्स फेरेड तो आपके पास ये दे रखा है एक ऑसिलेटर सर्किट और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालनी है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी वन टू पाई इंटू वन रूट ऑफ एल सी ये आप सॉल्व कर लेंगे वन बाई टू पाई इंटू वन स्क्वायर रूट ऑफ 0.5 into 10 power minus 3 into 20 into 10 power minus 6 यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाता है 1.592 हर्ट्स सो आंसर बिकम्स सी पार्ट आंसर इज सी पार्ट आंसर इज सी पार्ट नेक्स्ट 50वें क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन बेटे 50वें क्वेश्चन 50वें क्वेश्चन देखिए बेटा

तो Z कितना हो जाएगा बेटे आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर और ओमेगा आपको थाउजेंड दे रखा है तो आप एक्सएल कैसे निकालेंगे XL एक्सएल विल बी इक्वल टू ओमेगा इन टू एल और एक्स सी कितना हो जाएगा वन बाय ओमेगा सी ठीक है बेटा एक्सएल XC निकाल लेंगे आर तो यहाँ से आप जेड निकालेंगे और जेड जो आता है दैट इज ट्वेंटी फाइव ओम्स जेड इज ट्वेंटी आंसर इज डी फॉर डेली आंसर इज डी फॉर डेली